हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नंबर है 9373504564। मोल्स, वॉर्ट्स, टैग्स, ये निर्माण होने के कई कारण रहते हैं, जिसमें धूप से एक्सपोजर, फ्रिक्शन होना, एरियाज में पसीना आना, इन्फेक्शन होना, ये सारी बातों से। दोस्तों, कॉस्मेटिक सर्जरी में आज लेजर सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। अक्सर कुछ भी रिमूवल करना है, रिसर्फेसिंग करना है, तो लेजर का इस्तेमाल होता है। मोल्स, वॉर्ट्स, स्किन टैग्स, स्मॉल ब्लेमिशेस, सन स्पॉट्स, ये सारी बातें बहुत प्रैक्टिस में कॉमन है और लोगों की डिमांड रहती है कि उन्हें निकाला जाए आसानी से। CO2 लेजर मेरे पास है, जिससे मैं अक्सर ये सारी चीजें ट्रीट करता हूँ। ये थोड़ा सा सरफेस एनेस्थीसिया देके, लोकल एनेस्थीसिया देके निकाला जाता है। इसको बिल्कुल डाउन टाइम नहीं रहता है और हीलिंग बहुत फास्ट होती है और अक्सर कोई स्कार नहीं रहता है। तो देखिए आज की केस, इस नौजवान के बाएं लोअर आईलिड में देखिए एक मोल है जौहरी की साइज का, मैंने उसको रेड सर्कल की मार्क किया है। तो ये उनको बॉदर करता है, कभी वो साइज में बढ़ जाता है, कम भी होता है, और वो ऐसे ऐसे साइज में बढ़ रहा है। पिछले 6 साल से उनको ये समस्या है, ऐसा निर्णय लिया कि CO2 लेजर से ये निकाले जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आग के इतने नजदीक है तो सब प्रिकॉशंस लेना जरूरी है कि आईबॉल प्रोटेक्ट पूरे 100% हो जाए। इसलिए CO2 लेजर का सेटिंग भी किया गया है, 10 वॉट के आसपास एनर्जी की पावर रखी है। लेजर बीम के सेटिंग्स फिक्स किए गए, पैरामीटर्स डिसाइड किए गए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी, व्हाट में एनर्जी कितनी जाएगी, उसी के साथ साथ डेप्थ कितनी रहेगी, ये सारे पैरामीटर्स सेट किए गए। ये आवश्यक है कि लेजर से सिर्फ हम मोल निकालेंगे या व्हाट निकालेंगे और आजू बाजू में बिल्कुल पेशेंट को डैमेज नहीं होगा। और ये आवश्यक है कि आई शील्ड से उनका आईबॉल पूरा कवर किया है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि वहां कोई धोखा नहीं है। देखिए आई शील्ड इस प्रकार का रहता है, ये लोकल एनेस्थेटिक का बारीक 2 ml 0.2 ml इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो मोल जो है वो पूरा नम हो जाता है। मैं लेजर से एबलेट कर रहा हूँ, उसको लाइस कर रहा हूँ और वो पूरा मोल जो है, स्किन टैग है, वो इवेपोरेट हो रही है। इससे पेशेंट को बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ और प्रोसीजर एकदम क्विक एंड शॉर्ट में हो गया, किधर ब्लीडिंग नहीं है और कहीं पे स्टिच लेने का सवाल नहीं आता है। ये जख्म इतनी अच्छी भर जाती है कि कहां से ये निकाला गया ये भी ध्यान में नहीं आता है। बट ये प्रिकॉशंस सारे लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि आग के मामला है, आईलिड में है, किसी भी हालत में आईबॉल को डैमेज नहीं होना चाहिए।